हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है कीबोर्ड थीम चेंज कैसे करें। और फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। आप सेटिंग में जाएंगे, आपको इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आपको दो तरीका बताऊंगी सेट करना। अगर आपको उसमें नहीं होता है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका है, आप सेटिंग पे जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है स्टेक इंटरफेस। और इसके बाद आपको लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक करना है। आप ये रहा लैंग्वेज इनपुट, आप इस पर क्लिक करेंगी। और इसके बाद आपको जी बोर्ड पे क्लिक करना है। जी बोर्ड का मतलब होता है कीबोर्ड ही, आप उस पर क्लिक करेंगी। और इसके बाद आपको स्टेक इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ये रहा हमारा थीम। तो आप यहाँ से बैक करेंगे, गलती से किसी और पे क्लिक हो गए, आप इस पर क्लिक करेंगे थीम पर। आप देख ही सकते हैं थीम है सारे कितने ब्यूटीफुल थीम है। आपको अगर आपको और भी चाहिए तो आप इसको स्लाइड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी नज़र आ जाएंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी क्लिक हो गया गलती से, और जैसे कि आपको इनमें से ये वाला पसंद है, आप ये भी सेट कर सकते हैं चाहे तो। जैसे कि आपको इनमें से कोई पसंद है और मेरे को डिज़ाइन वाले अगर और भी चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएंगे। जैसे कि आपको ये पसंद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट होगा, तब आपका सेट हो जाएगा। देख सकते हैं सेट हो चुका है। और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से बैक करते हैं, किसी भी सर्च पे जाएंगे आप। और जैसे कि हम कीबोर्ड इसी के सर्च पे जाते हैं, देख सकते हैं ये पूरा चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ोन में कीबोर्ड थीम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिर से बता रही थी आपको वहीं से चेंज कर। तो फ्रेंड्स, हम फिर से इसी के सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं इसी में, और थीम पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अपनी फ़ोटो सेट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो है, तो किस प्रकार से सेट करते हैं इसे वो बताऊंगी। इसके लिए आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप यहाँ दिख जाएगा स्टिकर इंटरफेस, आप कौन सा लगाना चाहेंगे कीबोर्ड में। फॉर एग्जांपल आपको ये लगाना है तो आप कितना रखना चाहेंगे, तो मैं इतना रखना चाहूँगी। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप कितना ब्राइटनेस रखना चाहेंगे वो रखेंगी। और डन पे क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप डन कर दिए हैं, ब्राइटनेस नहीं बढ़ाएं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल पर, तो आप वापस से एडिट पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और जो भी है आपका और आप फोटो सेट करते हैं इसमें ऐड होता चला जाएगा। और उसके बाद हम होम करेंगे और फिर से हम नोटिस के उस पर जाएंगे, किसी भी सर्च पे जाएंगे आप, और देख सकते हैं किस प्रकार से थीम लग चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीवर्ड में अपनी फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं और थीम भी। और शॉर्ट फॉर्म आपको अब बता दें दूसरा तरीका, आप किसी भी सर्च पे जाते हैं, सेटिंग पे नहीं मिलता वो ऑप्शन कीवर्ड का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और मतलब किसी पे भी सर्च पर, मैं ज़रूरी नहीं कि आपको प्ले स्टोर की सर्च पे जाना है, आप किसी भी सर्च पे जाएंगे और जहाँ पे आपको कीवर्ड दिखता है, कीवर्ड में आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा थीम का, सॉरी सेटिंग का। अगर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें थीम का ऑप्शन था, शॉर्ट फॉर्म दिख जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये थीम का ऑप्शन है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं है तो आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे कीबोर्ड के सेटिंग पर, और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा थीम का ऑप्शन। जिस प्रकार से मैंने आपको चेंज करके बताई वैसे आप चेंज करेंगे। और जैसे कि आपको अब इस बार ये वाला सेट करना है इनमें से, तो जैसे कि मैं इन्हीं में से सेट करके दिखा देती हूँ आपको ये वाला। और इसके बाद आपको ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। तो होम करेंगे, अब हम सर्च पर जाएंगे, देख सकते हैं किस प्रकार से चेंज हो चुका है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ोन में कीवर्ड थीम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरीके बता चुकी हूँ, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।